हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मोही लॉजी टेक ज्ञान। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले विकी और कैटरीना की शादी हो चुकी है और इनकी शादी के बारे में आपने बहुत सारी रोचक बातें भी सुनी होगी, बट आज मैं आपको कुछ ऐसी अनसुनी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपको शायद नहीं पता होंगे। दोस्तों, आपको शायद यकीन नहीं होगा कि इन्होंने अपनी शादी से पूरे 80 करोड़ रुपये कमाए हैं। कैसे? बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों, जहां आम आदमी अपनी शादी में अपनी पूरी जिंदगी की कमाई खत्म कर देता है, वहां इन्होंने अपनी शादी से पूरे 80 करोड़ रुपए कमाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे, तो दोस्तों इन्होंने अपनी शादी की लाइव रिकॉर्डिंग अमेजोन यानी OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव दिखाने के लिए 80 करोड़ रुपए लगाया है। यानी 80 करोड़ रुपए में अपनी शादी की लाइव रिकॉर्डिंग भेज दी है अमेजोन को। अब आप लोग सोच रहे होंगे वहां पर कोई रिकॉर्डिंग कैसे नहीं कर सकता था, तो दोस्तों वहां पर जितने भी गेस्ट बुलाए गए थे उन सबको पहले ही मना कर दिया गया था। उनसे एक क्लॉज साइन करवाया गया था कि आप अगर शादी में आएंगे तो वहां पर आप ना कोई मोबाइल या ना कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज ला सकते हैं जिससे इनकी फोटोज और वीडियोज बाहर जा सके। यानी उनके शादी में आने वाला हर व्यक्ति बाहर के आदमियों से कोई भी कॉन्टेक्ट उनका नहीं रहेगा, उनका यह कहना था। और आपको शायद यह नहीं पता होगा कि उनके शादी में टोटल 120 गेस्ट बुलाए गए थे जो राजस्थान में संपन्न हुई थी। और इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटी थे, जैसा कि आपको पता ही होगा कैटरीना का बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, इसीलिए उन्होंने बहुत सारी बॉलीवुड की हस्तियों को बुलाया था। बट उसमें से दो नाम ऐसे थे जिनको इन्होंने आमंत्रित नहीं किया था। पहले थे रणवीर कपूर और दूसरे थे सलमान खान। आपको बताने की जरूरत नहीं होगी कि इनको क्यों नहीं बुलाया गया था। अब दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने अपनी शादी में इतनी ज्यादा हाई सिक्योरिटी लगाकर रखी थी कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो दोस्तों यह सिक्योरिटी इसलिए लगाई गई थी जिससे बाहर का कोई व्यक्ति या अनजान कोई व्यक्ति इनकी वीडियोज और फोटोज को वायरल ना कर सके या ले ना सके। इसीलिए वहां पर जितने भी गेस्ट आए थे उनसे भी मोबाइल ले लिए गए थे कि बाहर की दुनिया से आपका कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं रहेगा। दोस्तों, सबसे खास खबर इनकी शादी में यह है कि इन्होंने अपनी शादी एक बार नहीं बल्कि दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 6 दिसंबर को पहले ही कोर्ट मैरिज कर लिया था 1954 एक्ट के तहत। बट आपको जैसा पता ही होगा कि इतने दोनों फेमस सेलिब्रिटी हैं तो शो ऑफ तो बनता ही बनता था, इसीलिए इन्होंने राजस्थान के एक किले में अपनी शादी अरेंज करवाई और इतनी ज्यादा कमाई के लिए ही इन्होंने अमेजोन को अपनी शादी की रिकॉर्डिंग बेच दी है। तो फाइनली दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।